ये बात मैंने प्रीवियस वाली मैंने कलेक्शन की है तो मैं बता रहा हूँ। फिर बात सुनो बात सुनो, ये मेरी कॉस्ट लिख ली ना, बड़ी अजीब सी कॉस्ट लग रही है ना, है ना, अजीब लग रही है ना, इसको मैं अजीब सी को अभी खूबसूरत बना, ये क्या है वन, ये क्या टू, ये क्या थ्री, ये वन फाइव एंड सो ऑन, है ना, इन सब में से मैं वन पहले रिमूव करता हूँ, ये कितना बाकी बच जाएगा जीरो, वन मैंने सब में से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर एम तो वैसे आ प्लस, ठीक है जाबिर, इसमें से वन मैंने पहले रिमूव कर दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा जीरो, यहाँ से मैंने वन रिमूव कर दिया क्या बन जाएगा वन प्लस टू प्लस जीरो और यहाँ कितना आएगा फोर जी, ये हमने सारे वन रिमूव हो गए और ये नाइन जो है कितना आएगा ये वन सारे रिमूव हो गए, अगली वाली क्या आ जाएगी 16 प्लस ये देखो सारे वंस रिमूव हो जाएंगे और 33 का कितना आएगा 30 प्लस सिस्टा आखिर में कितना आ जाएगा हमने n पहले रिमूव कर दी, ये किसके बराबर 2n के बराबर n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n है ना, हमारा जो पहला ग्रोइंग अरे वाला तरीका था वो कितना कॉस्टली था, बिलियन टाइम 2 बिलियन प्लस 1 है ना, इसमें पता कितनी कॉस्ट आएगी 3 टाइम 2 बिलियन प्लस 1, यू नो दिस मेथड दिस वेक्टर मेथड वन लाइन चेंज इज एक्चुअली बिलियन टाइम फास्टर देन द प्रीवियस ग्रोइंग बिलियन टाइम फास्टर एंड ओनली वन लाइन चेंज, द होल कोड इज एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज कि आपने एक्चुअली जो एक्सपेंशन की है वो एक्सपेंशन बाय द फैक्टर ऑफ टू कर दिया, ठीक है, और अब आपके पास साइज एक नहीं है बल्कि साइज कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे, एक साइज क्या होगा कितनी वैल्यूज हमने एंटर कर दिए और एक साइज क्या होगा कितनी कितनी हमने बैक एंड पे एलोकेट किया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट्स कॉल्ड वेक्टर, ए वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर, ओके अगेन कंटिगुअस अरे विद ए कॉस्ट ऑफ स्पेस इनएफिशिएंसी इट गिव्स यू ए एफिशिएंट मेथड विच बिकम्स बिलियन टाइम फास्टर इफ यू वांट टू एलोकेट फॉर बिलियन एंट्रीज, बस राइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है दैट्स द इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, ओके दैट्स द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हिच वी हैव टॉट यू, ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, जब मुझे बताएं कि आप वेक्टर खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखो सबसे फर्क क्या है, अब आपके पास यहां पर साइज की जगह दो साइज आ जाएंगे, ए ओवर टी साइज, टी साइज में टोटल साइज और ये हो जाएगा साइज, साइज क्या हो जाएगा हां तो कितने एलिमेंट हमने ऐड, ठीक है या बी साइज कर दीजिए सर मींस दी वैल्यू बने, ठीक है यहां पर जो पुश बैक है बस ये चेंज होगा, यहां पे बेटा क्या चेंज होगा, ठीक है यहाँ पर एक्चुअली आप उसके बाद चेक करना है कि कहीं जो आप वैल्यू ऐड करने आ रहे हैं वो साइज पे ऐड करने आ रहे हो ना, तो पहले हम चेक करते हैं कि साइज प्लस वन जो है कहीं वो टी साइज से छोटा है, अगर वो टी साइज से छोटा है तो हम उसको वैसे ही ऐड करा के रिटर्न करवा देंगे और अगर वो टी साइज के बराबर आ जाए इसका मतलब क्या है टाइम टू रियल, अब आप रियलोकेशन करेंगे और पुरानी पूरा यूनिफॉर्म है ये फिर से तब चलना है जब हमारे पास क्या होगा जब हमारे पास जो एली वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, आपकी स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट्स द ओनली थिंग व्हिच यू नीड टू चेंज, आपका पुश बैक में आप आपको पॉप बैक में आप क्या करना है, ये होता है पॉप बैक में आपको मेमोरी रिलीज करने की जरूरत है नहीं, आप हम क्या करेंगे हम द ओनली थिंग वी विल गोइंग टू चेंज इज सॉरी साइज माइनस माइनस, क्योंकि हमें तो एक्स्ट्रा स्पेस कोई तंग नहीं करती, हमने एक्चुअली क्या करना है हमने टी साइज को बस कम कर देना सॉरी टी साइज को नहीं छोड़ना हमें सिर्फ साइज में काम कर देना साइज में काम करने का मतलब क्या है ओवरराइड जो भी अगली वैल्यू आएगी वो ओवरराइड बट इससे अगर हमने फर्स्ट एक्सेस किया तो इसी से उसके ऊपर साइज से आगे निकलेंगे क्योंकि पॉइंटर है वो तो वो तो रीड कर लेगा चाहे वो बिल्कुल ठीक बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं ऑपरेटर इसके थ्रू ये वाली वैल्यू एक्सेस करता हूं और वो वैल्यू उसकी इस साइज की एंट्री से बाहर जा रही है क्या जा रही है इस साइज की एंट्री से बाहर क्या हमें उसे एक्सेस करने देना चाहिए हमें उसे एक्सेस करने नहीं देना चाहिए दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन योर प्रोग्राम
क्या करोगे? एक्सेप्शन होगी और इस एक्सेप्शन को आपको एक्चुअली रिमूव करना है और वो रिमूव कैसे करते हैं मैं वहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने करना बेटा ये है कि एक अभी एक अनाउंसमेंट ये करनी है, आपकी जो आपका गेम जो गेम जो हम शाम को सेशन रख रहे हैं, ठीक है, मैं अमान और अमानी आप लोग प्लीज़ अगर मुझे गेम के बारे में आइडिया नहीं भी सोचा तो आप वहीं पर बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करें और हमसे आज हमें आपके लिए दिखा कि हम क्या क्या करें ताकि हम डिस्कशन कर सकें। फ्राइडे को आप मेक श्योर रखें, फ्राइडे को नबीहा सारे और ये सारे लोग हैं, होपफुली आप भी सारे मांगे कि कल वो बेचारा आया था और मैं आई कि आप लोग के डी एड यू वगैरह एग्जाम करेंगे लेकिन आपको जाना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट लेकिन आपको जाना चाहिए। तो प्लीज़ आज